नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड के 10th क्लास का जो है ऑब्जेक्ट इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वैसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम जो है 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं और जो है 10th क्लास का अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए इंग्लिश में जो है आप लोगों को 10 से 15 नंबर का जो है या 20 नंबर का जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव जो है जितना मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, 10 से 20 30 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, इसी जो है ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को क्वेश्चन जो है एग्जाम में इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये सेकेंडरी लेवल क्लास 10th का जो है बुक है, इसी के अनुसार जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे चूज कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव जो भी। क्योंकि दोस्तों देखिए पिछले साल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आप लोग जाके देख सकते हैं, जितना मैं बताऊंगा 2019 में जो है दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, वो सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को मैच कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो दोस्तों 10th क्लास के इंग्लिश में आप लोगों से बिहार ओपन बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं इससे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं एग्जाम में अच्छा परसेंटेज हाई परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और चलिए ये 100% ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग यहाँ से जो है कवर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं वो पहले वीडियो को आप लोग क्या करिए शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ, और जो नए हैं वो चैनल को सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जो है पल पल की जानकारी जो है आप लोगों को मेरे द्वारा मिल जाए, इस चैनल के द्वारा आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट मेड ययाति ओल्ड, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर का नेम है इंग्लिश का जो है क्या है, व्हाट मेड ययाति ओल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल कॉजेज ऑफ लाइफ। तो हमारा अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट मेड ययाति ओल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल, यहाँ पे सी नंबर, यहाँ पे ऑप्शन मारने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले से ही ऑप्शनल टिक कर दिया ऑप्शन, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर जो आते हैं, द किंग बिकेम एंग्री बिकॉज, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2 का सी हो जाएगा। उसी तरह देखिए सी का जो हमारा आंसर आ जाएगा, तीसरा नंबर जो है द फर्स्ट सन रिफ्यूज हिज फादर बिकॉज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 4 का, द फॉल्ट सन रिफ्यूज हिज फादर बिकॉज, तो यहाँ पे बी नंबर जो आंसर है यहाँ पे आंसर मार दिया गया, आप लोग जो है जाके टिक कर सकते हैं। आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है क्या करिए कॉपी पे याद कर, अगर आप लोगों से याद नहीं हो रहा तो आप एक पन्ने पर लिख के आप लोग एग्जाम में लेकर जाइएगा। एग्जाम में क्या है आप लोग अपना आसानी से जो भी है सावधानी से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप लिख के भी जा सकते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के जा सकते हैं, थोड़ा बहुत चोरी चलता है कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हु अकॉर्डिंग टू पॉप इज अ हैप्पी पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो देख सकते हैं, व्हाट डज सॉलिट्यूड मींस, मतलब बी आंसर हो जाएगा, बी मार दीजिएगा। Whom does me refer to in the last stanza? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा 3 का बी ऑप्शन मार दिया गया, आप लोग मार सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4th नंबर, How many sentences does the poem consist of? यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे बी नंबर आप ऑप्शन मारिएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं लिटिल मास्टर रेफर टू, जो लिटिल मास्टर का जो दोस्तों नाम है वो क्या पड़ गया, सचिन तेंदुलकर का जो नाम है वो क्या है दोस्तों, लिटिल मास्टर जो है रखा गया, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं, द डिस्क्रिप्शन इज अबाउट, यहाँ पे देख सकते हैं वन डे मैच, ठीक है, द डिस्क्रिप्शन इज अबाउट वन डे मैच, यहाँ पे ये होगा आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर कंप्लीट हिज 200 रन बाय स्कोरिंग, जब सचिन तेंदुलकर ने जो है दोस्तों अपना 200 रन जो पूरा किया था वो कौन सा रन लेके, छक्का मारा था, चौका मारा था, या फिर सिंगल लिया था या डबल लिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं सिंगल रन लेकर जो है उसने डबल सेंचुरी जो अपना कंप्लीट किया था सचिन तेंदुलकर ने।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो बोर्न हुआ ये बी नंबर जो है आप लोग मिडिल क्लास फैमिली में जो है तमिल में इनका जो है जन्म हुआ था। उसी तरह आप लोग दोस्त देख सकते हैं, दो का जो आंसर हमारा बी हो जाएगा, तीन का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसी तरह हमारा चार का जो ऑप्शन होगा कलाम चाइल्डहुड वाज सिक्योर्ड बिकॉज ही एंजॉयड ऑल स्पोर्ट्स हैड नो एग्जिस्टेंस, ठीक है दोस्तों, चलिए चार का डी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा आंसर है हाउ डिड गॉड ग्रैंड फादर कैरी टोटू, ठीक है दो सहारनपुर, ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं द टीथ ऑफ टूटू वेयर, यहाँ पे अलग ही टाइप है, ये चैप्टर का नाम है, तो आप लोग यहाँ पे बी आंसर मारिएगा। द टेल ऑफ टूटू वाज ऑल्सो यूज, यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्टी, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। यहाँ पे आप ये मार सकते हैं चौथा का बी। अब अगला आ जाइए, अब ये जो ऑप्शन है इसका जो हमारा सी हो जाएगा। अब हमारा दूसरा का जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा साइंस, हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ये चौथा का हमारा बी हो जाएगा। चलिए ठीक है अब अगला आते हैं, अगला देख सकते हैं हमारा इसका जो बी हो जाएगा, दो का हमारा फिर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन का ये हो जाएगा, चार का ये हो जाएगा। चलिए इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं एक का हमारा बी हो जाएगा आंसर, दो का हमारा जो है सी हो जाएगा आंसर, तीन का हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है चलिए अगला आते हैं, एक का हमारा सी हो जाएगा, दो का हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा सी का सॉरी तीन का सी हो जाएगा, और ये हमारा चार का हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब बताया था तो ये तीन का पूछा गया था। द फर्स्ट फीचर फिल्म वाज प्रोड्यूस क्या 1913 में, फर्स्ट फीचर के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टेंथ एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और आप लोग जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया उसको जो लिख लीजिए या याद कर लीजिए तो आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।